सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, हुआवे का तो आपको पता ही है कितनी डेंजरस कंपनी है, और गूगल से ब्रेकअप होने के बाद तो और भी। और दोस्तों, ये सही भी है क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद हुआवे और भी एक्टिव हो चुकी है और अपने नए नए कमाल के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, हुआवे का अपना ओएस यानी हारमोनी ओएस जो अभी अंडर डेवलपमेंट में, वो किलर ओएस होने वाला है। और इस चीज़ को लेकर हुआवे ने गूगल को चैलेंज कर दिया है। मतलब भाई, ये कंपनी अब गूगल को गूसबम्स देने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हुआवे के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन हुआवे P40 Pro के लीक्स और स्पेसिफिकेशंस की। और आपको तो पता ही है हुआवे के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कैसे होते हैं, हुआवे P30 Pro, Mate 30 Pro। लेकिन दोस्तों, ये स्मार्टफोन सबसे अलग होने वाला है क्योंकि इसके जो लीक्स बार बार निकल के आ रहे हैं, मतलब उसे सुनकर और देखकर मतलब मुझे ऐसे वीडियो बनाने में ऐसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फाइनली मैंने वीडियो बना दिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होंगे हुआवे P40 Pro के स्पेसिफिकेशंस, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रू फ्लैगशिप किलर किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए कुछ भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो इसमें आपको पीछे की तरफ ग्लास लेयर यानी ग्लास का बैक देखने को मिलने वाला है, और इसका कलर जहाँ तक न्यूज़ आई है और फोटोज़ आए हैं, ब्लैक हो सकता है। और साथ में दोस्तों, इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी न्यू न्यू जो लीक्स आ रहे हैं उनके हिसाब से इसमें पेंटा कैमरा का सेटअप भी हो सकता है, और यहाँ तक कि ये भी लीक्स आ रहे हैं कि इसमें आपको 6 रियर कैमराज का सेटअप देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इस पर कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। और दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें तो बस इसी मामले में ये फ़ोन सबसे अलग और बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको 6.5 इंच से लेकर 6.7 इंच का ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि होगा एक पंच होल डिस्प्ले, और साथ में ये 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। लेकिन वेट वेट वेट, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डिस्प्ले है जो वो S11 की तरह वाटरफॉल डिस्प्ले होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो जो साइड कर्व्ड है जिसमें होता है वो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और साथ में इसमें आपको 98.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलने वाला है। ओह, टू मच एक्साइटेड। और दोस्तों, अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको Kirin 990 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगेन वेट वेट, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्मार्टफोन 5G होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया में लॉन्च करना है तो 4G वाला वेरियंट लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया और 5G जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 8GB वाला जो वेरिएंट होगा वो इसका बेस वेरिएंट हो सकता है, और साथ में आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है इसमें। और साथ में एक और वेरिएंट लॉन्च होगा 12GB वाला वेरिएंट, और इसमें भी आपको 128GB स्टोरेज मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये बढ़कर 256GB हो जाए, उसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन वेरिएंट्स में कुछ चेंज नहीं है। और दोस्तों, बैटरी की बात करें तो इस मामले में ये बीस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ग्राफिन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इसका मतलब ये है कि बैटरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन फ़ोन का जो साइज़ है यानी विड्थ है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है ये। दोस्तों, साथ में इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल ही जाएगा, जो कि 40 वॉट के ऊपर होगा, ऐसा कन्फर्म्ड है। और जहाँ तक न्यूज़ आ रही है, इसमें आपको 55 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओ माई गॉड, किलर। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात करें तो लोग एक्साइटेड थे कि क्या ये पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें हमको हारमोनी ओएस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये कन्फर्म्ड हो चुका है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा, और वो EMUI 10 वर्जन पर बेस्ड होगा, तो इसमें आपको हारमोनी ओएस नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कैमरा की बात करें तो इसमें आपको पेंटा रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा कि नहीं, वो तो कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन क्वाड रियर कैमरा का सेटअप कन्फर्म्ड है। लेकिन अगर पेंटा रियर कैमरा का सेटअप हुआ तो इतना ज़रूर कन्फर्म्ड है कि वो जो पांचवा लेंस है जो एक्स्ट्रा बच रहा है पेंटा कैमरा में, वो 10x ऑप्टिकल जूम के लिए यूज़ होने वाला है। वाह, इंटरेस्टिंग। और दोस्तों, बाकी जो चार बचे लेंस, उसमें 64 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, साथ में 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, और प्लस 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस यानी दो लेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें एक होगा TOF लेंस, दूसरा मैक्रो लेंस होगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलेगा आपको इसमें। और दोस्तों, आगे की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल पंच होल फ्रंट सेल्फी कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको 32+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा।
और दोस्तों ये अराउंड 74,000 में लॉन्च हो सकता है, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, यानी 74,000 मतलब एक किडनी। और दोस्तों ये ग्लोबली तो मार्च 2020 में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इंडिया का पता नहीं क्योंकि हुवावई को गूगल के लाइसेंस नहीं मिले हुए हैं। और इंडिया में अब फ़ोन विदाउट गूगल मतलब आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब नहीं, क्रोम नहीं, जीमेल नहीं, मतलब नहीं होगा इंडिया में गूगल के बिना तो लॉन्च। तो मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा ज़रूर लग जाएगा, तो आई होप कि हुवावई को जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल जाए गूगल के। तो दोस्तों ये था हुवावई P40 Pro, क्यों हिला डाला ना। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ट्रू फ्लैगशिप किलर। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने जो आपको सारे स्पेक्स बताए वो सारे के सारे तो कंफर्म नहीं है, और कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों यही थे हुवावई P40 Pro के स्पेक्स। मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और प्रे कर रहा हूँ कि इससे जल्दी से जल्दी हुवावई को लाइसेंस मिल जाए गूगल का, और फिर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। क्या आप इंटरेस्टेड हैं हुवावे P40 Pro के बारे में? आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।